वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बस वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और हर दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ योजना देखनी है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के किसी भी कौशल की वीडियो आपको देखनी है, मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए एक छोटा सा आपको काम करना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँच जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। अगर आप लोगों के पास कोई भी लेसन प्लान लिखा हुआ है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की कोई भी यहाँ पे आपके पास लिखी हुई यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है, उसकी फ़ोटो खींचिए और सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेल आईडी पे आप उसको सेंड करिए उस फोटो को। अगर आपकी फ़ोटो अच्छी हुई तो आपको उस मंथ के 25 तारीख को एक इनाम दिया जाएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से। अब देर नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप शुरू करते हैं आज की पाठ योजना। पाठ योजना संख्या लिखना होता है, सबसे पहले आप सभी को पता है सबसे ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखना होता है, जो भी संख्या होगी 1 2 3 4 उसको सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, कक्षा हमारी आज की 8वीं है, विषय हिंदी है, कालांश यानी कि पीरियड प्रथम है, अवधि है हमारा 40 मिनट का। आपका जो भी यहाँ पर होगा जिस तरीके से होगा उसको अपने अनुसार यहाँ पर भरिएगा। प्रकरण हमारा है यहाँ पर एक स्त्री का पत्र, हिंदी का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रकरण लिखने के बाद आपको हेडिंग लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का यहाँ पे मैं अर्थ बता देता हूँ आप लोगों को कि सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है सामान्य उद्देश्य में बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा पॉइंट है कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, तीसरा पॉइंट है धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी या पत्र पढ़ना सिखाना, फोर्थ पॉइंट है बच्चों को हिंदी के माध्यम से उनका मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना, और पाँचवा पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। ये हो गए सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पे स्त्री, एक स्त्री का पत्र, तो विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट, बच्चे नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उनके शोषण और दर को समझ सकेंगे, बच्चे नारी का सम्मान तथा सुरक्षा करेंगे, तीसरा पॉइंट है बच्चे सामाजिक कुरीतियों का विरोध करेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में देखिए लिखा गया प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में विभिन्न वीरांगनाओं का चित्र, कोई भी आप जैसे झांसी की रानी की चित्र बना के ले जा सकते हैं, और जो भी यहाँ पे महिला वीरांगनाएं हैं उनकी यहाँ पे आप चार्ट पे फोटो बना के ले जा सकते हैं उनके नाम के साथ। और उसके बाद देखिए लिखा गया तथा अन्य कक्षोपयोगी वस्तुएं जिसके अंतर्गत आपका चौक, डस्टर, लपेट, सांपट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगली हेडिंग यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे बच्चे उस ग्रह का नाम जानते हैं जहाँ जीवधारी रहते हैं, सभी को पता है किस ग्रह पे जीवन है। अब आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक की जगह लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। कम से कम इसमें 3 प्रश्न पूछ के आपको अपना प्रकरण निकलवाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। इसमें ध्यान रखना एक चीज़ और होता है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर आया उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आया उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आया उसे चौथा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक यानी कि आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, पहला प्रश्न है उस ग्रह का नाम बताओ जिसमें जीवधारी रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे पृथ्वी। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चे बोलेंगे मनुष्य। तीसरा प्रश्न है फिर मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है, तो बच्चे बोलेंगे बातचीत करके। चौथा प्रश्न है किसी दूरस्थ व्यक्ति को कुछ कहना हो तो प्राचीन काल में हम क्या करते थे, किस साधन का उपयोग करते थे, तो बच्चे बोलेंगे पत्र का उपयोग करते थे प्राचीन। अब तो आ गया मैसेज, मेल, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन पहले क्या था प्राचीन यहाँ पर काल पूछा गया है, तो पत्र आपको आंसर यहाँ ज़रूर मिलेगा। जैसे पत्र यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, अपना 5वां प्रश्न पूछिए, ऐसे पत्र के बारे में बताओ जिसमें सामाजिक कुरीतियों का वर्णन होता है, तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिएगा आप,
समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद अपना उद्देश्य कथन बोलिए। बच्चों, आज हम लोग एक स्त्री का पत्र नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को। प्रस्तुतिगढ़ हेडिंग डालिए और जो पैरा पढ़ाने वाले हैं उसका पहला पॉइंट पूज्यवर और डैश 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 ऐसे करके आश्रम से मुक्त, इस तरीके से लास्ट पॉइंट उसका लिख दीजिए। आदर्श वाचन अब हेडिंग लिखिए। इसमें आदर्श वाचन में आप यानी कि छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका हैं तो उस चैप्टर का आदर्श वाचन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया छात्राध्यापक पत्र का आदर्श वाचन कराएगा। अब अनुकरण वाचन है। अनुकरण वाचन में देखिए लिखा गया पत्र का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से कराया जाएगा, यानी कि छात्रों द्वारा कराया जाएगा। कठिन निवारण शब्द है जो आप पैरा पढ़ाए रहेंगे उसमें कोई कठिन शब्द तो ऐसा था नहीं, सभी का अर्थ सरल होगा, सभी का बच्चे को पता होगा। कठिन शब्द आएगा तो उसको आपको बताना है, तो शब्द अर्थ लिखिए। यहाँ पे एक तरफ शब्द लिखिए एक तरफ अर्थ लिखिए। शब्द है देखिए पहला आवभगत, यानी कि इसका अर्थ होता है आदर सत्कार। दूसरा यहाँ पे शब्द है पीहर, यानी कि होता है मायका। तीसरा शब्द है बाजूबंद, यानी कि आभूषण। चौथा यहाँ पे शब्द है नाकाम, यानी कि असफल। पांचवा शब्द है जगन्नाथपुरी, यानी कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है वो। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। छात्र कथन में, छात्राध्यापक कथन में प्रश्न देखिए पूछा गया पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो बच्चे बोलेंगे एक स्त्री द्वारा। आप पढ़ाए होंगे उसका व्याख्या किए होंगे तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है औरतों के लिए एक तेज दिमाग भी एक बला है, क्यों ऐसा लिखा गया, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो व्याख्या करेंगे आप यहाँ पे। एक स्त्री अपने पति को पत्र लिखती है और कहती है कि 15 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे घर की मझली बहू बनकर आई थी। तुम्हारे घर वाले जब मुझे देखने आए थे तब मेरे यहाँ उनकी बहुत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उनकी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, उनकी बहुत खातिरदारी हुई थी। सबने कहा बहुत बहू बहुत सुंदर है, इसे तुम लोग बहुत जल्दी ही भूल गए, लेकिन मुझमें बुद्धि है, यह नहीं भूल पाए और कहते रहे कि बहू बहुत तेज है। फिर इसके प्रश्न पूछ सकते हैं आप बच्चों से जो पढ़ाया आपने। प्रश्न है स्त्री को कैसा शौक था, बच्चे बोलेंगे कविता का। दूसरा प्रश्न है स्त्री की बेटी कैसे मर गई, तो मौन हो जाएंगे बच्चे, नहीं बता पाएंगे, मौन लिख दीजिए। और पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कविता लिखने का। व्याख्या फिर से देंगे आप, मैं कविताएं लिखती थी क्योंकि वह कविताएं तुम्हारे बंधन तुम्हारे कुरीतियों से मुक्त थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई और पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ बनने कहलाने का सुख ना पा सकी। मैं तुम्हारे घर गाय भैंस की सनी पन यहाँ पे सानी पानी के में लगी रहती थी, ये ही मुझे अपने से लगते थे। मौन वाचन फिर कराएगा छात्राध्यापक। यहाँ पे छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन कराएगा। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे बच्चों से जो आप मुख्य बिंदु है उसको यहाँ पे बता सकते हैं। बिंदु को दोबारा यहाँ पे ससुराल भेजने, यहाँ पे बिंदु यहाँ पे लड़की का नाम है, दोबारा ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। दूसरा, मछली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त यहाँ पे किया है। श्यामपट कार्य है। श्यामपट कार्य पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट कार्य उतारने को कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्राध्यापक द्वारा यहाँ पे श्यामपट कार्य दिया जाएगा बच्चों को तो बच्चे उसको उतारेंगे, तो छात्राध्यापक का काम है कि क्लास में घूम के निरीक्षण कर ले। देखिए यहाँ पे लिखा गया छात्राध्यापक घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेगा। और लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिससे बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ को जाके घर पे करें, रिवाइज करें उस चीज़ को, उससे उनको आपके द्वारा पढ़ाया गया सफल होगा, वो उस चीज़ को कंठस्थ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, तुम्हारे हिसाब से समाज में फैली कितनी कुरीतियाँ हैं लिख कर ले आना है बच्चों को अपने हिसाब से। तो ये था आप दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हुई मेरे यहाँ पे कार्य द्वारा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे मैं पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो अपलोड करता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।